तो पहुँचते पहुँचते हैं मैं अलमाड़ शालीधार पर पहुँच गया हूँ और यहाँ पे गाय बकरे चुगने आए हैं। काफ़ी जो बारिश हुई बीच में काफ़ी हरा भरा जंगल हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए बेहतरीन बेहतरीन नज़ारा आ रहा है। ये देखिए छोटी पट्टी ले 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 आजा 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 आजा। ये देखिए तो दगड़े मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। मैं भी जब पढ़ाई करता था तो ग्वाला जाया करता था, तो ग्वाला काफ़ी इंजॉय होता है आजकल तो, और ऐसे हरियाली मौसम में। तो हमारे घरों में गार्डन हुआ करते हैं और वहाँ से हम आजकल ककड़ी वगैरह फल फ्रूट ले जाके जंगल जाते थे फर्स्ट क्लास तरीके से। तो एक ही नहीं, काफ़ी सारे हम लोग इकट्ठे होके तो इंजॉय करते थे जंगल में। तो शालीधार का नज़ारा कुछ इस प्रकार से अभी हो रहा है। तो जस्ट ये जो नीचे रोड दिख रही है ये आपको कोसी रोड है, नीचे कोसी को जाती है और यहीं से हम अगर ऊपर को जाएंगे तो सीधे अल्मोड़ा और बाईपास से जा सकते हो या ऊपर वाली रोड से जा सकते हो। तो यहीं पर शालीधार इंटर कॉलेज भी है, तो बेहतरीन नज़ारा हो रहा है इस समय। नमस्कार दगड़ो, आप सब लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पप्पू ब्लॉग्स में। दगड़ो मैंने आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है देवभूमि उत्तराखंड के हसीन वादियों से। तो आज का ब्लॉग अभी सुबह के 9 बजे हुए हैं और मैं तेल भराने यहाँ पर गंगोरी पर आया हूँ, गुप्तेश्वर महादेव गोतेश्वर का यहाँ पर जो महाशिव रात्रि का मेला लगता है, देवगुदेव महादेव शिव शंकर का यहाँ पर मंदिर भी है अगर जस्ट आप थोड़ा नीचे जाओगे तो। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप बने रहे मेरे साथ। अभी मैं सियालवाड़ी मार्केट पर पहुँचा हूँ और सियालवाड़ी मार्केट का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। ये देखिए धूप लगी हुई है और इस धूप में यहाँ के व्यवसायी बंधु अपने दुकान के अंदर बैठे हुए हैं। बेहतरीन हाईवे बन चुका है, ये देखिए गंगरकोट एरिया में हम पहुँच रहे हैं अभी। ये देखिए बेहतरीन तरीके से, और ये ऊपर आप देख रहे हैं तो यहाँ से भी मेरे गांव का रोड है, कच्ची सड़क है तो यहाँ से काफ़ी जल्दी मेरे गांव को रोड, ये वाली रोड है कच्ची रोड, आप पहुँच सकते हैं। देखो अभी मैं सियालवाड़ी मार्केट क्रॉस करके आ गया हूँ और यहाँ पर आप दो रोड देख रहे होंगे, एक रोड मुक्तेश्वर नथोखान को जाती है और दूसरा अल्मोड़ा को जा रही है नीचे वाली। तो मुझे अल्मोड़ा रास्ते से जाना है और यहीं से ढोकाने इंटर कॉलेज और ढोकाने वाटरफॉल का रास्ता भी ऊपर को ही है, तो काफ़ी बेहतरीन वाटरफॉल है यहाँ का। और मौका लगे तो बहुत जल्दी वो वाला वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो आज मैं यहाँ पर सियालवाड़ी मार्केट क्रॉस करके यहाँ पर आ गया हूँ, तो रोड काफ़ी हाई फाई बन चुकी है और काफ़ी चकाचक रोड बन चुकी है। पर आ गया हूँ यहाँ पर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की जो सीमा है वो समाप्त हो जाएगी और यहाँ से अगर आप हल्द्वानी से आ रहे हैं तो यहाँ से लेफ्ट टर्न आपको लेना पड़ेगा। काफ़ी नया पुल यहाँ पर बन गया तो नए पुल के द्वारा मुझे अल्मोड़ा को जाना है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को। और जो ऊपर वाली है यहाँ से जो सीधे को जाती है वो हमारे इधर क्वारब से होते हुए उधर लोहसाल तक जाती है, मोना लोहसाल इस रोड को जाया जाता है। तो हम यहाँ से अभी लेफ्ट को टर्न लेंगे, ये पुल का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं करबला पर पहुँचा हूँ, यहाँ से नीचे बेस रोड, ऊपर को बाजार को गई रोड और यहाँ पर काफ़ी अच्छे बोर्ड लगे हुए हैं, चकोरी बागेश्वर कौसानी बिनसर शीतला खेत पिथौरागढ़ जागेश्वर डीनापानी चितई टेम्पल। तो यहाँ से आप रूट चूज़ कर सकते हैं कहाँ को आपको जाना है, तो बेहतरीन लोकेशन है यहाँ का। ये देखिए अल्मोड़ा की फेमस मिठाई बाल मिठाई होती है, तो बाल मिठाई यहाँ से ले जाता हूँ मैं। ये देखिए काफ़ी बेहतरीन प्रसिद्ध मिठाई अल्मोड़ा की। मालिक साहब क्या चल रहा है, बाल क्या चल रही? 360। अच्छा, अभी मैं विकास भवन से नीचे जिला न्यायालय जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा कार्यालय यहाँ पर ट्रेजरी भी है तो यहाँ पर आया हूँ। और ये अल्मोड़ा का जो बाज़ार है, अल्मोड़ा का सीन, अल्मोड़ा बाज़ार का लोकेशन मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा जूम करके, तो बेहतरीन लगता है ये देखिए। और जब रात को आप यहाँ निकलोगे तो रात को तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगता है अल्मोड़ा बाज़ार का लोकेशन जो है, नज़ारा जो है ये देखिए बेहतरीन। दगड़ो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।